आपके अपने YouTube चैनल हेलो रीजनिंग पर स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के हेलो रीजनिंग चैनल पर। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम YouTube चैनल हेलो रीजनिंग पर इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं सुभिजीत सिंह आपका रीजनिंग मेंटोर। मैं पिछले 5 साल से देश के विभिन्न शहरों में पढ़ा रहा हूँ और अब तक 30,000 से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। 30,000 से ज़्यादा बच्चे मेरे से पढ़कर और बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। मैंने एसएससी के एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और बैंकिंग के एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया है। तैयारी करते हैं या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या डिफेंस एग्जाम की किसी की एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आपके एक टॉपिक का सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। और जो आप मेरे साथ इस चैनल पे भी पढ़ेंगे और ऐप पे भी पढ़ेंगे, इस एसएससी के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। इनको हम करना सीखेंगे 8 से 10 मिनट में। रेलवे का जो एग्जाम आ रहा है अभी रेलवे एनटीपीसी का, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, उनको 10 से 12 मिनट में हम कैसे कर पाएंगे। ये सारी ट्रिक्स और टॉपिक्स जो हमें यहाँ पर सब कुछ कवर करूंगा। सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको डेली लाइव क्लास मिलती है। पहली चीज क्या है, डेली लाइव क्लास मिलती है। आप एजुकेटर से चैट भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं अपने डाउट्स को और अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके लिए बिल्कुल ऑफलाइन की तरह रहेगा। यहाँ पर कोई प्री रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं होंगी, प्री रिकॉर्डेड क्लासेज यहाँ पर नहीं होंगी, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह रहेगा। YouTube पर आपकी क्लास चली रही है और अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आपकी स्पेशल क्लासेज होंगी, स्पेशल क्लासेज होंगी अनअकैडमी की ऐप के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा फायदा स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है। अगर आप कोई भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मान लीजिए एसएससी एग्जाम के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको टू द एग्जाम लेवल, अप टू द एग्जाम लेवल तक आपको यहाँ पूरा पढ़ाया जाता है। टेस्ट एंड क्विज, अगर आप टेस्ट देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपका जो टाइम जितना आप लगाते हैं वो आप डिक्रीज कर पाएंगे, पेपर को अटेम्प्ट करने में टाइम डिक्रीज कर पाएंगे। इससे क्या फायदा, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो ज्यादा हो पाएंगे। अब बात करते हैं अनलिमिटेड एक्सेस की, आपको एक्सेस क्या मिलेगी। अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो लाइव क्लास तो आपकी चलेंगी ही चलेंगी और उसके बाद आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स जो रहेगा जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लाइव जो स्पेशल क्लासेज होती है उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उनसे आप रिविजन भी कर सकते हैं। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लो क्योंकि इसके ऊपर अपनी स्पेशल क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे मेरी स्टार्ट हो गई हैं। 1 नवंबर को एक क्लास हुई थी, 1 नवंबर को क्लॉक टॉपिक उसमें मैंने करवाया था। एक क्लास हम कल भी लेंगे क्लॉक टॉपिक की क्लास, क्लॉक का पार्ट 2 रहेगा। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। SSC Engrave नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका फायदा क्या होगा, एक तो आपको इस पर करंट अफेयर की PDF मिलती रहेंगी, हर टीचर के क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस शीट आपको यहाँ से हर सब्जेक्ट की मिलेंगी, प्रैक्टिस शीट। टेलीग्राम को आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद SSCN गिरे उसमें सर्च करना और ज्वाइन पे क्लिक कर देना, फिर आपका चैनल ज्वाइन हो जाएगा। बात करते हैं SSC एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शंस की। SSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन अगर एक महीने की अगर मैं बात करूं तो रहेगा 1200 रुपए में। 3 महीने की अगर ले सब्सक्रिप्शन तो रहेगा 1000 रुपए पर मंथ में, फीस हो जाएगी 3000 रुपए। 6 महीने का अगर हमें सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये रहेगा 800 रुपये में और फीस हो जाएगी 4800 रुपये। अगर बेटा 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये हो जाएगी ओनली 500 रुपीज। इसका मतलब टाइम आपका क्या हो रहा है, टाइम देखिए, टाइम तो हो रहा है इंक्रीज, क्या हो रहा है, टाइम तो हो रहा है इंक्रीज। और आपकी फीस क्या हो रही है सर, ये तो बहुत डिक्रीज हो रही है। 1 महीने में 1200 रुपये मिल रहा था और अगर 12 महीने का लेंगे या मतलब 1 साल का लेंगे, 1 ईयर का, तो में मिल रहा है। और बेटा अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं SUBH10, अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये फीस हो जाएगी 5400 रुपये। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 2 ईयर की मैं बात करूं तो फीस रहेगी ओनली 300 रुपीज पर मंथ,
7,200 रुपये टोटल फीस रहेगी। और आप मेरा कोड ये मत भूलना, ये इस कोड से क्या फायदा होगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, फीस हो जाएगी 480 रुपये। आज के टॉपिक को, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सा रहेगा? लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का टॉपिक रहेगा। हिंदी में बात करूं तो शब्दों का सार्थक क्रम, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा, शब्दों का सार्थक क्रम। सीडीएस के एग्जाम की, एसएससी में सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, कैट। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, मतलब एक से दो क्वेश्चन ये जो मैंने एग्जाम्स लिखे इनमें पक्का मिलेगा, 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो आप मेरे साथ देखिए इसको करना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क, इसमें पूछा क्या क्या जाता है। एक तो इसमें टॉपिक आता है सिचुएशन बेस्ड, कि आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उसमें क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, वो सारी चीजें होंगी। दूसरा आपकी नॉलेज के ऊपर बेस रहेंगे कि आपको नॉलेज कितनी है, नॉलेज का मतलब आपकी जीएस भी यहां पर चेक हो सकती है, जीएस की मैं बात करूं, या जनरल यूज की बातें होंगी, डेली यूज में जो पूछा जा सकता है वो सारी चीजें आपसे यहां पर पूछी जा सकती हैं उनमें। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और एक बार सिचुएशन बेस पे ही ये क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में क्या है कि जो भी दे रखा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, विच वन ऑफ द गिवन, और उससे जो भी इंफॉर्मेशन पहली में लेके, रीड केयरफुली, पहली बात क्या कि रीड केयरफुली। दूसरी बात लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन, लाइन टू लाइन इंफॉर्मेशन। रिस्पॉन्सेज वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर, बात कर रहा है सार्थक क्रम की, मीनिंगफुल का मतलब यहां पर सार्थक। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, आ उसने कुछ वर्ड दे दिए, कुछ शब्द दे दिए, की, डोर, लॉक, रूम और स्विच ऑन। तो बताइए मेरे को, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं कि इसमें करना कैसे होगा, यहां पर किसकी बात कर रहा है। पहला एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर आपसे टाइम लेता हूं। इसमें करना क्या है हमें, वो हमसे पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन दिया और इसको सार्थक, सार्थक का मतलब कि इन सभी शब्दों का यूज करके कोई क्रम बन जाए, क्रम मतलब एक सीरीज बन जाए, कि पहले मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया, फिर चौथे नंबर पे मैंने क्या किया, और पांचवें नंबर पे मैंने क्या किया। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। पहले नंबर पे हम इन शब्दों में से कौन सा काम करेंगे, दूसरे पे क्या करेंगे, तीसरे पे क्या करेंगे, चौथे पे क्या करेंगे, और पांचवें पे, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं वहां तक हम आगे चले जाएंगे। तो ये क्या है सर, ये पहली टाइप, बेटा आपकी पहली टाइप हो रही है सिचुएशन बेस्ड, चाबी बताया मुझे एक वर्ड, एक बताया दरवाजा, एक बताया ताला, फिर दिखा मुझे कमरा, और फिर मुझे दिखा स्विच ऑन करना। बताओ क्या करेंगे? देता हूं इस टाइप का, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको, बेटा करना क्या है आपको, इसमें ये देखना है कि बेटा मैं पहले नंबर पे क्या काम करूंगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले उसके ऊपर नंबरिंग कर दो, इसमें गलती कहां कहां होती है, सबसे पहले लिख दो उसमें नंबरिंग। क्या करेंगे, जितने भी वर्ड दे रखे सबके ऊपर नंबरिंग लिख देंगे, 1 2 3
फोर और फाइव, पांच वर्ड हमें दिए और पांच ही वर्डों के ऊपर हमने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले किस चीज की बात कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग किस, आपके अकॉर्डिंग किस चीज की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज की बात कर रहा है, देखो ये बात कर रहा है कोई रूम में एंटर होने के लिए, रूम में एंट्री के लिए, रूम में हम एंट्री करेंगे तो क्या प्रोसेस होगी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा सर, मैंने की ली बेटा, मैं क्या लूंगा, की लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको लॉक में लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लॉक खुल जाएगा तो मैं क्या करूंगा, डोर पे आऊंगा। डोर खुल जाएगा तो क्या होगा, रूम में घुस जाऊंगा। रूम में घुस गया तो क्या होगा, सर मैं लाइट को स्विच ऑन कर लूंगा। क्या कर लूंगा, लाइट को स्विच ऑन कर लूंगा। ये कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न बनेगा, ऐसी ऐसी सीरीज आपकी बनेगी। पहले मैं चाबी लूंगा, उसको लॉक पे लगाऊंगा, लॉक खोलूंगा, फिर मैं डोर खोलूंगा, डोर खुलने के बाद मैं रूम में घुस जाऊंगा, रूम में घुसने के बाद मैं क्या करूंगा, स्विच ऑन कर दूंगा। तो मुझे बताओ कि कितने नंबर पे है। अब देखो शब्दों का सार्थक क्रम क्या होना चाहिए था, शब्दों का सार्थक क्रम यहां पर आपके अकॉर्डिंग और अपने आंसर के अकॉर्डिंग जो मैंने सीरीज बताई इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि सर की पहले तो आएगा की, अब कहां से कहां तक आ गया, की के बाद आया गया लॉक, लॉक के बाद क्या आया सर, डोर आया, डोर के बाद क्या है, रूम आया, रूम के बाद क्या आया, स्विच ऑन कर दिया। अब देखो पहले नंबर पे क्या आया था सर, अपने इसमें था की था, और यहाँ पे क्या आ गया की, तो ये तो वन पे ही है। अब देखो लॉक कितने नंबर पे है सर, लॉक 3 नंबर पे था। अब देखो डोर कितने नंबर पे है सर, डोर 2 नंबर पे था। अब देखो रूम कितने नंबर पे है सर, 4 नंबर पे था। स्विच ऑन किया तो कितने नंबर पे आ गया सर, 5 नंबर पे। तो आंसर क्या आ गया है सर, 1 3 2 4 और 5, ये हमारा आंसर आ गया, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 और 5। आ गई बात समझ, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, ये है सिचुएशन बेस्ड। फिर करेंगे लॉजिकल। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपकी नॉलेज पे, ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड, आपको कितनी नॉलेज है। सूर्या गोवेत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन आपको दे दिया कि बंगलो, फ्लैट, कॉटेज, पैलेस और मेंशन। अब आधों को तो यही नहीं पता होगा सर ये मेंशन क्या होता है, आधों को तो यही नहीं पता कि ये मेंशन होता क्या है, आधों को नहीं पता कि कॉटेज क्या होता है। तो ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है, और अगर पता होता भी है तो उनको ये नहीं पता कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, उनको इतना नहीं पता होता कि इनमें से छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। बात किसकी कर रहा है सर, पहले बंगलो, फिर फ्लैट की, फिर कुटिया की, फिर महल की, फिर हवेली की। मैंने अभी क्या बताया था, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो पहले नंबर से लेके लास्ट तक नंबरिंग कर देनी कि हमें कितने वर्ड दिए। तो पहला नंबर कहाँ है सर, बंगलो, इसके ऊपर क्या लिखेंगे सर, 1। फ्लैट के ऊपर क्या लिखेंगे सर, 2। कॉटेज के ऊपर क्या लिखेंगे सर, 3। पैलेस के ऊपर क्या लिखेंगे, 4। और मैंशन के ऊपर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिख देंगे हम 5। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ गए सर, 5 आ गए। 5 के ऊपर क्या किया हमने, वर्डिंग कर दी अपनी, जो नंबरिंग लिख दी है, क्या किया नंबरिंग लिख दी। अब देखो सबसे छोटा या सबसे बड़ा बात किसकी करेगा इस टाइप में, पहली चीज तो करेगा आपको देखना है, पहले तो देखना असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, ऑप्शन में। पहले तो देखो ऑप्शंस कैसे देखने, पहले तो देखना असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो आपको लिखना ही है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हुए घटते हुए क्रम में। कुछ भी जिक्र नहीं कर रखा या कुछ भी नहीं बता रखा है असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, तो क्या करेंगे, हमेशा हम असेंडिंग ऑर्डर में ही उसको सेट करेंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही सेट करेंगे। दूसरी चीज ऑप्शन का मैंने बता दिया, क्वेश्चंस की बात करूं, आपसे पूछेगा सिचुएशन बेस्ड, वो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया, अब करेगा नॉलेज बेस्ड। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए पहले क्या रखेगा सर, साइज छोटा बड़ा, साइज में छोटा, इनकी एक सीरीज बनाएगा, या तो छोटे से, यहां से छोटे से स्टार्ट करेगा और बड़े पे चला जाएगा, या बड़े से स्टार्ट करेगा और छोटे पे चला जाएगा,
को देखो बड़े से स्टार्ट कर रहा है या छोटे से, पहली की नंबरिंग देखो। अब देखो सबसे छोटा क्या होगा, अब बहुत सारों को पता ही नहीं सबसे छोटा क्या होगा, क्या होगा कुटिया, सबसे छोटा होगा इसमें कुटिया। फिर बात करेंगे हम फ्लैट की, फ्लैट की, फ्लैट के बाद होगा बंगला। इसमें देखो अब मैं क्या करता हूं, देखो मैंने क्या किया इन पे नंबरिंग कर ली 1, 2, 3, 4 एंड 5, और ये क्या कर रहा है, ये हमें साइज के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे छोटा क्या होगा सर, कुटिया होगी, कुटिया का मतलब कॉटेज, कॉटेज के थोड़ा सा बड़ा क्या हो, क्या होगा फ्लैट होगा। फ्लैट से बड़ा जो हमें 5 वर्ड दे रखे इनमें क्या होगा, फ्लैट से बड़ा, फ्लैट से बड़ा बंगला होगा सर। के बाद क्या होगा, मेंशन होगा। मेंशन का मतलब क्या होता है, मेंशन का मतलब होता है बेटा हवेली, हवेली पे आपने सुना होगा ना, आओ कभी हवेली पे। और सबसे बड़ा होता महल, महल किसका होता था, राजा महाराजाओं के होते थे महल, आपने देखे भी होंगे कितने बड़े होते हैं। तो शब्दों का सार्थक क्रम हमने क्या देखा है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा, इसने कहां से स्टार्ट किया सर, छोटे से स्टार्ट किया, और कहां तक ले गया बेटा बड़े तक इसको लेके गया। तो सबसे छोटा कॉटेज, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फ्लैट, फिर उससे बड़ा बंगला, फिर उसके बाद हवेली, और उसके बाद महल। तो अब देखो कॉटेज कितने नंबर पे था सर, कॉटेज 3 पे था। ऑप्शन देखो अब ऑप्शन देखो कि स्टार्टिंग में 3 कौन से में है सर, ए और सी में, तो डी और ए तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अब देखो कि दूसरे नंबर पे क्या था सर, फ्लैट है 3। ऑप्शन देखो क्या आ गया है सर, पहले में तो 3 और 1 था, अब आ गया 3 और 2। आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया हमारा सी, आंसर आ गया हमारा सी। तीसरा क्वेश्चन आपकी नॉलेज के ऊपर, फिर से मैंने क्या बताया था, अब एक तो आएंगे इसमें सिचुएशन बेस्ड, पहले तो आएंगे सिचुएशन बेस्ड, दूसरे आएंगे इसमें नॉलेज बेस्ड। सभी वर्ड दे रखे उनके ऊपर नंबरिंग कर देनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5, जितने भी वर्ड दे रखे हैं सबके ऊपर नंबरिंग कर देनी है। अब क्या करेंगे, क्या आंसर आएगा इसका, चेक पर बात, ये दो चीजें अगर कुछ भी बात करेगा इन दो चीजों पे बात करेगा, अकॉर्डिंग टू साइज करेगा या अकॉर्डिंग टू लेंथ करेगा। यहां पर देखो अकॉर्डिंग टू साइज बात करें तो सबसे बड़ा क्या होगा, भी करेंगे बेटा यहां पर सबसे पहले दिमाग में क्या आएगी सर, ये डिस्टेंस की बात तो नहीं कर रहा है सर, ये डिस्टेंस की बात तो नहीं कर रहा कि कौन सा किससे कितनी दूर है, सूर्य से चंद्रमा कितनी दूर है, पृथ्वी कितनी दूर है, तारे कितनी दूर हैं, आकाश गंगा कितनी दूर है। तो आपका कंफ्यूजन मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले जो अर्थ है ना, नॉलेज आपकी क्या होनी चाहिए, जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो मिल्की वे का पार्ट है, आपको हम बोलते हैं आकाश गंगा का पार्ट है। नहीं, नहीं क्योंकि ये तो इसके ही अंदर होता है, अर्थ तो मिल्की वे के अंदर ही होता है, तो इस ये तो होगा नहीं कि डिस्टेंस का तो कोई जिक्र होगा ही नहीं।
अब देखो इसमें साइज के अकॉर्डिंग और ऑप्शन से अंदाजा लगाओ कि ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है या घटते हुए, मतलब छोटे साइज से बड़े साइज की ओर जा रहा है या बड़े साइज से छोटे की ओर जा रहा है। फिर मैंने किया, फिर आ गया स्टार। देखो सबसे बड़ी बात क्या करेगा, ये जा रहा है बेटा साइज के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन से अंदाजा लगाना है कि यहां स्मॉल से लार्ज की ओर जा रहा है या लार्ज से स्मॉल की ओर, ये बात ध्यान देने की है, स्मॉल से लार्ज की ओर जा रहा है या लार्ज से स्मॉल की ओर। सबसे छोटा देखो क्या होता है सर, सबसे छोटा क्या होता है मुझे बताओ, सबसे छोटा क्या होता है। मैं यहां पर मून, ये तो मैं समझा रहा हूं तो इसलिए लिख रहा हूं। मून के बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा है, मेरे अकॉर्डिंग होता है स्टार होगा, मिल्की वे में तो सारी चीजें ही आ जाती हैं। फिर आएगा मिल्की वे, सर ये 3 पे था। अर्थ कितने पे था सर, अर्थ था 4 पे। सन कितने पे था बेटा, 2 पे था। स्टार कितने पे था, 5 पे था। और मिल्की किसने पे था सर, 1 पे। अब ऐसा ऑप्शन देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। मैंने देखा कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन 3 से स्टार्ट हो, तो बी और सी तो कैंसिल हो गए, बी और सी तो कैंसिल हो गए। और अगर 2 से मैं स्टार्ट करता तो ये ना तो छोटे की बात कर रहा था, क्योंकि सन ना तो सबसे बड़ा है, तो ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए हैं। बात करते हैं घटते से स्मॉल से लार्ज की साइड गए, तो सबसे छोटा क्या था, मून था। मून स्टार्ट हो गया यहां से 3रे ऑप्शन पे, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 है, तो यहां से मैं जल्दी कैसे करूंगा। अब देखो बिल्कुल लास्ट का, पहले वाला देखा सर कॉमन है, दूसरा देखा सर वो भी कॉमन है, पहले 2 देख के लास्ट वाले पे आ जाना सर। यहां देखा 5 और यहां देखा 1 है, और अपने आंसर में क्या रहा सर, पीछे 1 आ रहा है, तो क्या आ गया सर, आंसर आ गया हमारा डी। अपने आंसर में देखा क्या आया सर, पीछे 1 आ रहा है और आगे 3 आ रहा है, पीछे 1 आ रहा है आगे 3 आया, तो आंसर क्या आ गया सर, 3, 4, 2, 5 और 1। ये हो गया है एक्चुअल मतलब सार्थक क्रम शब्दों का, कि सर मून, मून से के बाद अर्थ बड़ा है, अर्थ से फिर सन, सन के बाद स्टार। कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होगा, कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होगा कि सर स्टार तो छोटे भी होते हैं, स्टार तो छोटे होते हैं, लेकिन बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, सन भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है, और सन से भी बड़े बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत स्टार्स हैं, तो स्टार बहुत बड़े भी होते हैं, तो हम यहां पर बड़े में काउंट करेंगे। फैमिली, कम्युनिटी मेंबर, लोकेलिटी और कंट्री, ये आ गया है आपका बेटा सिचुएशन पे, ये आ गया सिचुएशन बेस्ड। करो थ्री फोर और फाइव, 5 वर्ड दे रखे हैं, तो उनके ऊपर हमने क्या कर दिया सर, अब बेटा हमने नंबरिंग कर दी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब क्या करना है, दूसरी चीज अब क्या करना है, देखो ये बात किसकी कर रहा है, ये आपके सिचुएशन बेस्ड पे आ रहा है, सिचुएशन या आपकी नॉलेज, ये क्वेश्चन आपका मिक्स रहेगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। होगा सर सदस्य, होगा सदस्य से क्या बनेगा सर, परिवार बनेगा, परिवार से क्या होगा सर, समुदाय बनेगा, समुदाय से क्या होगा सर, क्षेत्र बनेगा, और क्षेत्र से क्या बनेगा, देश बनेगा। पहले क्या आएगा सर, मेंबर आया, मेंबर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, फैमिली बन जाएगी। जब फैमिली ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा सर, कम्युनिटी बन जाएगी।
पहले मेंबर मेंबर से नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं, क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी। जब ज्यादा फैमिली हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, कम्युनिटी बन जाएगी। कम्युनिटी बन जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, कम्युनिटी के बाद क्या होगा बेटा, आ जाएगी लोकेलिटी। और ज्यादा हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, कंट्री बन जाएगी। नंबर ऑफ लोकेलिटी ज्यादा हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, कंट्री बन जाएगी। तो मैंने देखा कि पहले मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर ज्यादा होते ही फैमिली बन गई, नंबर ऑफ फैमिली ज्यादा होते ही कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी ज्यादा होते ही क्या हो गया सर, लोकेलिटी बन जाएगी। और बेटा अगर लोकेलिटी, नंबर ऑफ लोकेलिटी ज्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। तो मेंबर कौन से नंबर पे था सर, तीन पे था, कौन से पे था, तीन पे था। और कंट्री कौन से पे था सर, पांच पे था। स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है क्वेश्चन में, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है ये मेरे साथ साथ सीखना। मैंने देखा कि मेंबर तीन पे था, कंट्री पांच पे था, तो मैं कहां जाऊंगा, ऐसे ऑप्शन पे जाऊंगा जो तीन से स्टार्ट हो रहा है पांच पे खत्म हो रहा है। मैंने देखा कि ए ऑप्शन तीन से स्टार्ट हो रहा है पांच पे खत्म हो रहा है, बी ऑप्शन भी तीन से स्टार्ट हुआ और पांच पे खत्म हुआ, सी ऑप्शन तीन से स्टार्ट हुआ और दो पे खत्म, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। डी ऑप्शन देखा तीन से स्टार्ट हुआ और चार पे खत्म, ये भी कैंसिल कर दिया। तो अब ऑप्शन रह गए हमारे केवल दो जो हमें चेक करने हैं। दूसरे नंबर पर क्या आया बेटा, फैमिली आएगा मेंबर के बाद। और फैमिली कौन से नंबर पे है सर, एक पे है। फैमिली कौन से पे है सर, एक पे। तो तीन के बाद जहां भी एक आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, क्या आएगा, तीन एक। क्या आ गया आंसर, अब आंसर आ गया हमारा भी तीन एक दो चार और पांच, आंसर आ गया हमारा तीन एक दो चार पांच। क्या समझ आ गया है, कमेंट करके एक बार मेरे को बताओ, रिपीट करूं या समझ आ गया है। फिर आपकी नॉलेज के ऊपर, फिर से आपकी नॉलेज के ऊपर, किलो टेरा और गीगा आएगा यहां पर, गीगा ए आता है, ये टाइपिंग एरर होगी, गीगा आएगा। नंबरिंग कर देनी है, वन टू थ्री एंड फोर, कितने वर्ड दे रखे हैं, टोटल वर्ड दे रखे हैं चार, और फिर हमने उनके ऊपर कर दी नंबरिंग, पहली चीज। दूसरा काम क्या करना है, ऑप्शन से अंदाजा लगाना है, ऑप्शन से एक चीज का अंदाजा लगाना है कि ये असेंडिंग से चल रहा है या डिसेंडिंग में चल रहा है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है, इस चीज का अंदाजा लगाना है। तीसरी सबसे बड़ी चीज और काम की बात, ये बात किसकी कर रहा है, साइज की कर रहा है, और वो साइज स्मॉल से लार्ज की ओर जा रहा है या लार्ज से स्मॉल की ओर जा रहा है, ये सारी चीजें हमें कहां से पता करेंगी सर, ऑप्शंस से। बेटा ऑप्शंस को भी ध्यान से साथ के साथ देखते रहना कि अगर साइज की बात कर रहा है तो स्मॉल से लार्ज की ओर जा रहा है या लार्ज से स्मॉल की ओर जा रहा है, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है या बड़े से छोटे की ओर। अब देखो अगर मैं बात करूं सब इनमें छोटा या बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा मैक, इसने सब में से क्या किया, पीछे वाला बाइट हटा दिया, रीजनिंग यही तो है, रीजनिंग यही तो है बस, इसने क्या किया पीछे वाला बाइट हटा दिया, आगे वाला वर्ड ये वाला किलो गीगा और टेरा, तो कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं, जिसने ये पढ़ रखा था कंप्यूटर मेमोरी होती हैं, या साइज की जो बात कर रहा था वो ही इसको कर पाएगा। बेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है,
अब देखो क्या करना है, किलो कितने पे है सर? दो पे है। मेगा कितने पे था बेटा? एक पे था। गीगा कितने पे था? चार पे था। और टेरा कितने पे था? तीन पे था। अब ऑप्शन देखो, या तो ऑप्शन मिलेगा पहला पहली चीज, या तो ऑप्शन मिलेगा 2 1 4 3, और या ऑप्शन मिलेगा 3 4 1 और 2। मैं किसकी बात कर रहा हूं? या तो जा रहा है ये छोटे से बड़े की ओर, स्मॉल से लार्ज की ओर, और या ऑप्शन में मिलेगा लार्ज से स्मॉल की ओर। इनमें से हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन एक बार एक साथ नहीं मिलेंगे, हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है? 2 सबसे पहले आया, और लास्ट में क्या आया सर? 3 आया। सबसे स्पीड से करने का तरीका, पहले वाला देखो और लास्ट वाला देखो। अब मैंने देखा कि जिसके स्टार्टिंग में 2 और लास्ट में 3 हो, स्टार्टिंग में 2 कौन से में? इन दो में है, सी और डी में। तो ए और बी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अब बात करूं मैं सी और डी की, तो सबसे पहले आ गया 2 और सबसे लास्ट में क्या है? 3 है। अब सी ऑप्शन देखो, लास्ट में क्या आया बेटा? 3 आ गया। तो आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे अगर हम टाइम लगाएंगे तो हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन जो मैथ में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आएंगे या जीएस के ऐसे क्वेश्चन जो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, जिनमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा वो क्वेश्चन, और इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको पढ़ते हुए भी टाइम लगेगा। रीजनिंग में मैं आपको कह रहा हूं कि 8 से 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में क्वेश्चन कर देने हैं पूरे, 8 से 10 मिनट में। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से पूरे, सिचुएशन बेस्ड बहुत कम आते हैं। अब ये करो भाई, सेम ऑप्शन मिले थे। अब अंडा तो सबको पता है, आप ऑमलेट मिलते ही छोड़ते नहीं हो, लेकिन जिसको यही नहीं पता कि लार्वा क्या होता है, पतंगा क्या होता है और प्यूपा क्या होता है, तो वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करना मेरे भाई। बेटा उस जिसको इन वर्डों का ही नहीं पता ना, वो अटेम्प्ट ही मत करना, क्योंकि आप खुश होके आओगे कि मैं ठीक करके आ गया। लेकिन जिस ये होते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, 100% अगर आप सेटिस्फाई हो ना, 100% आपको पता है कि ये मेन वर्डों, इन वर्डों को मैं जानता हूं, तो ही अटेम्प्ट करना, ना तो इनको अटेम्प्ट मत करना। लार्वा 2 नंबर पे, मोथ 3 नंबर पे, और एग्स कितने पे है सर? 4 नंबर पे। अब ये किसकी बात कर रहा है? पतंगा क्या होता है? ये होते हैं कीट पतंगा, जिसकी मैं बात करूं, कीट या कीड़ा, इनके जो उड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कीट। और जो नीचे रहते हैं उनको बोलते हैं कीड़ा। कीट पतंगे के पैदा होने की बात कर रहा है, क्या रहेगी पहले, क्या आएगा? कुछ भी पैदा होने के लिए पहले क्या चाहिए बेटा? एग चाहिए। एग के बाद क्या आएगा? एग के बाद क्या आएगा? लार्वा, फिर आएगा प्यूपा, और क्या आएगा? फिर आ जाएगा कीट। सबसे पहले क्या होगा बेटा? एग होगा, फिर लार्वा होगा, लार्वा के बाद प्यूपा होगा, और प्यूपा के बाद जो प्रोसेस आएगी वो हो जाएगी कीट निकलाएगा। एग देंगे, एग में लार्वा निकलेगा, लार्वा से प्यूपा निकलेगा, प्यूपा से कीट निकलेगा। तो एग कितने नंबर पे है बेटा? 4 पे। ऑप्शन देखो, 4 पे तो सारे हैं। मोठ कितने पे है? 3 पे है बेटा। कितने पे है बेटा? ये 3 पे है। तो अब देखो लास्ट में 3 कौन से में है? इन दो में। तो पहले दो तो कैंसिल हो गए, पहले दो तो कैंसिल हो गए। अब देखो लार्वा कौन से पे है सर? लार्वा तो 2 पे है, और यहां पर भी क्या है सर? 4 2, और लास्ट में 3। ऑप्शन क्या आ गया सर? कितना टाइम लगा बेटा? 2 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड लगेंगी। लेकिन पहली चीज, अगर आपको नॉलेज है ना, अगर आपको नॉलेज है तो
ही इनको अटेम्प्ट करना, तो ही इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, यहां पर तुक्का नहीं लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का मत लगाना, नहीं तो गलत करके आओगे। अगर 100% आपको पता है ना कि 100% हूं, तो ही इसको करना। इन क्वेश्चंस में आप तुक्का मत लगाना बेटा। आगे वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है लेवल टू में, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। लेकिन यहां पर हम बेसिक से सीख रहे हैं, तो हमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाना है, तो उसका एक एक ट्रिक्स का और सब उसका पता होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, नंबर लिखा अरेस्ट पे 1, पुनिशमेंट पे 2, क्राइम पे 3, प्रिजन पे 4, और क्या कर रहा है, जजमेंट दे दिया। तो किस चीज की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, ये कर रहा है। अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया और अपराधी को गिरफ्तार करने का प्रोसेस है, स्टार्ट कैसे करेंगे, अपराधी को गिरफ्तार कैसे करेंगे। सबसे पहले तो को अपराध करेगा या क्राइम करेगा तभी तो वो अपराधी माना जाएगा। कोई अपराध नहीं होगा तो हमें गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरेस्ट के बाद क्या करेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट का यहां पर आ जाएगा अरेस्ट। अरे बेटा क्या करेंगे, जज के आगे पेश करेंगे, यहां पर आएगी उसकी जजमेंट। आंसर गलत आएगा बहुत सारे बच्चों का। जजमेंट के बाद क्या होगा, अगर उसने पनिशमेंट दे दी फिर वो क्या देगा, पनिशमेंट देगा अगर उसका अपराध फाइनल है तो। और पनिशमेंट के बाद क्या होगा, जेल में डाल देंगे। यही तो 5 चीज होंगी, पहले किसी ने अपराध किया या क्या किया, क्राइम किया, क्राइम के बाद वो क्या किया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट के बाद उसको जज के आगे पेश किया, जजमेंट आया, जजमेंट में उसको क्या मिला, पनिशमेंट मिली, और पनिशमेंट में क्या मिला उसको, जेल हो गई। यही तो 5 चीजें होंगी। अगर आप 100% आप अपने क्वेश्चन पे ये होना कि बेटा सर मेरा तो आंसर 100% ठीक है और आपको नॉलेज पूरी है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर आप 100% होना अपने आंसर पे तो ही इसको अटेम्प्ट करना, तुक्का मत लगाना, इनमें तुक्का नहीं लगेगा क्योंकि ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। तो क्राइम कितने पे था सर, 3 पे था। अरेस्ट कितने पे था सर, 1 पे था। जजमेंट कितने पे था सर, 5 पे था। पनिशमेंट कौन से पे थी सर, 2 पे थी। और प्रिजन कितने पे था सर, 4 पे। तो आंसर हमारा क्या जाएगा बेटा, 3, 1, 5, 2 और 4। आंसर हमारा क्या जाएगा, 3, 1, 5, 2, 4। फिर अगर मैं आपको फिर से बता दूं, पहले कोई भी चोर हो या डाकू हो, पहले क्या होगा सर, क्राइम होगा। उसके बाद क्या करेगा, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्राइम के बाद ही तो अरेस्ट करेंगे। अब उसको सीधा जेल में तो डाल नहीं सकते क्योंकि जज ही तो बताएगा इसने क्राइम किया या नहीं किया। अगर जज ने बताया कि सर इसने क्राइम किया तो उसको क्या देगा, उसको पनिशमेंट देगा। और अगर उसको पनिशमेंट मिल गई, जज ने क्या पनिशमेंट दी सर, उसको जेल में डाल दिया। जज ने क्या कहा कि इसको पनिशमेंट दी और फिर क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाले टाइप पे ही था, ध्यान से करना, आसान क्वेश्चन है। गिले
नंबरिंग कर देंगे, कितने वर्ड हैं सर? पांच। हमने क्या कर दिया सर, पहला टास्क तो हमने कंप्लीट कर दिया, दूसरा क्या है अब? दिमाग दौड़ाना है, इसमें क्या करेंगे अब? इसमें दिमाग दौड़ाना है। यह किया, फिर डॉक्टर, फिर उपचार और फिर सुधार। अगर मैं बात करूं पहले लॉजिक की कि कोई बीमार हो गया, फिर उसने क्या किया सर? वो गया बीमार होने के बाद, कहां गया? बीमार होने के बाद वो गया, उसने क्या किया? कंसल्ट किया डॉक्टर से। उसने क्या किया? कंसल्ट किया। यहां पर क्या लिया? परामर्श। जब तक डॉक्टर को बीमारी का पता ही नहीं लगेगा तो कैसे दवाई कर देगा? फिर उसने क्या किया? ट्रीटमेंट की। क्या की? ट्रीटमेंट की, मतलब उपचार किया। उसके बाद ही क्या आई सर? रिकवरी आ गई। उपचार के बाद ही तो रिकवरी आएगी, आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा। अब कंफ्यूजन कहां पे रहेगा? कंफ्यूजन रहेगा सर कंसल्ट यहां पर क्यों आया और ट्रीटमेंट, इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। देखो बेटा, अगर ये यहां आप सोचते हो कि सर बीमार के बाद उसने परामर्श किया, किसके साथ किया? डॉक्टर से ही तो कंसल्ट करेगा ना वो, पहली चीज। अगर आपके अकॉर्डिंग में चलूं तो पहले बीमार, फिर आप कह रहे हो सर उसने परामर्श लिया, परामर्श का मतलब कंसल्ट किया। लेकिन यहां पर आपका लॉजिक कैसे कैंसिल होगा? एक एक लॉजिक को कैंसिल आउट करते चलना कि उसने परामर्श लिया, लेकिन किससे लिया? किससे उसने डिस्कस किया कि मेरे ये दिक्कत हो रही है या मेरे ये प्रॉब्लम हो रही बॉडी में? किससे डिस्कस किया? वो डॉक्टर से के पास जाके ही तो करेगा। मतलब उसने दूसरा काम क्या किया? पहला तो वो बीमार हो गया, फिर उसने वो डॉक्टर के पास गया, फिर उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने बीमारी का पता किया और उसका इलाज कर दिया या उसको ट्रीटमेंट दे दी, और उस ट्रीटमेंट के बाद उसकी सेहत में क्या हो गया? सुधार हो गया, वो बिल्कुल रिकवर हो गया, अपने बिल्कुल बॉडी उसकी रिकवर होगी। तो ये देखो कि बीमार कौन से पे था सर? दो पे था। डॉक्टर कितने पे था सर? तीन पे था। कंसल्ट कितने पे था सर? एक पे था। ट्रीटमेंट कितने पे था सर? चार पे था। और रिकवरी कितने पे? पांच पे। तो आंसर क्या जाएगा, अपना उत्तर क्या जाएगा? 3, 2, 1, 5 और 4। 3, 2, 1, 5 और 4 आंसर आ गया 3, 2, 1, 5, 4। पहली बात कंसल्ट करने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट के बाद क्या हो गया? उसकी रिकवरी होगी। क्या कमेंट करके मेरे को एक बार बताओ, हो जाएगा ना? आगे वाला क्वेश्चन देखो, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर दिया करो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो एक बार। अब देखो ये क्या कर रहा है, आपको पहली चीज क्या होना चाहिए कि रैंक याद होनी चाहिए, रैंक भी याद होनी चाहिए। क्या करना है? रैंक याद कर लेनी है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इसमें याद क्या क्या करना है, ये आपके जीएस में भी काम आएगा, जीएस में भी काम आएगा ये। इसने दे नहीं रखा कि सर घटते हुए क्रम में लगाना या बढ़ते हुए, ये तो दिखेगा आपको क्वेश्चन में। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, अगर कुछ भी ना दे रखा तो क्या करेंगे सर? असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे।
किसमें करेंगे? असेंडिंग में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बताओ मेरे को कमेंट करके, सबसे छोटा क्या होता है? सबसे छोटा होता है बेटा लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट, सबसे छोटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा सर? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। और कर रहे हैं तो आपके पेपर में ये वाली स्पेलिंग, ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग बहुत बार आती है इंग्लिश में, मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग है ये, इसकी स्पेलिंग भी देख लेना। इंग्लिश में ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग बहुत बार पूछी जाती है एसएससी के एग्जाम में। बेटा ल्यूटिनेंट के बाद होता है कैप्टन, मेजर के बाद बनता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल, ल्यूटिनेंट कर्नल। वर्ड दे रखे हैं वो होता है कर्नल की। देखो सबसे छोटा लेफ्टिनेंट, फिर क्या बनेगा सर? ये कैप्टन बन जाएगा। कैप्टन के बाद क्या बनेगा? मेजर बनेगा। मेजर के बाद क्या बनेगा? लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा। और इसके बाद क्या बनेगा? कर्नल बन जाएगा। तो लेफ्टिनेंट कितने नंबर पे था सर? पांच पे था। कैप्टन कितने पे था सर? दो पे था। मेजर कितने पे था सर? एक पे था। लेफ्टिनेंट कर्नल कितने पे? तीन पे। और कर्नल कितने पे आ जाएगा? चार पे। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा 5, 2, 1, 3 एंड 4। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 5, 2, 1, 3 एंड 4। सबसे छोटी रैंक होती है। अगर इन वर्ड्स की बात करूं मैं, इन वर्ड्स की मैं बात करूं तो ही बता रहा हूं, इन वर्ड्स की बात करूं तो सबसे छोटी रैंक इन वर्ड्स में होती है लेफ्टिनेंट की, फिर आएगा कैप्टन, फिर आएगा मेजर, मेजर से प्रमोट होके जब उसकी प्रमोशन हो जाएगी तो लेफ्टिनेंट कर्नल, और फिर हो जाएगा कर्नल। ध्यान रखना बेटा इन सब बातों का। फर्नीचर तो कर रहा है बेटा, ये फर्नीचर तक पहुंचने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फर्नीचर कैसे बनेगा, फर्नीचर तैयार होने तक की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले क्या करेंगे सर? बीज लेंगे। बीज से क्या बनेगा सर? पौधा बनेगा। पौधे से क्या बनेगा? पौधे से क्या बनेगा सर? पेड़ बनेगा। पौधे से ही तो पेड़ बनेगा ना। और पेड़ से क्या बनेगा सर? लकड़ी बन जाएगी। और लकड़ी से क्या हो जाएगा सर? फर्नीचर बना लेंगे। आ गई बात समझ? बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे सीड में, वो करेंगे सर पहले बना लिया प्लांट, प्लांट से बन गया ट्री, ट्री से हमने लकड़ी ले ली और यहीं पे हमने सीड ले लिया। हम बीज को बोएंगे नहीं तो प्लांट कैसे बनेगा? जब तक हम कोई बीज या सीड लगाएंगे नहीं तो प्लांट कैसे बनेगा? तो पहले नंबर पे आएगा सीड, फिर आएगा प्लांट, फिर आएगा ट्री, फिर आएगा वुड और फिर आएगा फर्नीचर। क्या आ जाएगा? सीड कितने पे है? नंबरिंग देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सीड कितने पे है? सीड कितने पे है भाई बताओ? सीड दो पे है। प्लांट कितने पे है सर? एक पे है। ट्री कितने पे है? प्लांट चार पे है। गलत लिख गया था, सीड दो पे, प्लांट चार पे, ट्री वन पे। वुड कितने पे है सर? तीन पे। और फर्नीचर कितने पे है सर? पांच पे। तो आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ भी मिल जाए 2, 4, 1, 3, 5 ऐसा कुछ भी मिल जाए उसी को टिक कर देना। 100% अगर आप सेटिस्फाई हैं, खुद पे भरोसा है तो ही उस पे टिक कर देना। ऑप्शंस करते हैं, लेवल थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूं, लेवल थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रहा हूं।
फॉर सीडलिंग की, प्लांट सीड फ्रूट और सीडलिंग, पहली चीज तो सीडलिंग होता क्या है, सीडलिंग होता है बेटा अंकुरित पौधा, नंबरिंग कर दूंगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 4 पहले भी है, 2 और 3 भी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग दे दिया है। सोचो तो आ ही नहीं सकता, अगर ऑप्शन की बात करूंगा 2 और 3 की, बाई ऑप्शन जाएंगे, तो सीड के बाद फ्रूट तो आ ही नहीं सकता। एक कमेंट आया इसमें दिया, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ये रैंक याद कर लेना भाई, कमेंट से स्क्रीनशॉट लेना, ये रैंक याद कर लेना सभी। सीड के बाद तो अगर अगर हम बीज को बोएंगे तो फिर क्या बनेगा सर, प्लांट बनेगा, पौधा बनेगा, और प्लांट से क्या बनेगा बेटा, ट्री बनेगा, ट्री के ऊपर ही तो फ्रूट लगेगा, ट्री के ऊपर ही तो फ्रूट लगेगा, डायरेक्ट अगर बीज बोते ही फ्रूट मिल जाएगा तो फिर इन चीजों की क्या जरूरत रह जाएगी। तो सीड के बाद क्या आएगा, ट्री या प्लांट, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया है। अब बात करूं मैं तीसरे नंबर पे डी ऑप्शन की, 3, 2, 4, 1, इन्होंने कहा कि फल, सीधा फल, चलो फल आ गया, फल के बाद बोला बीज आ गया, बीज के बाद इसने कहा अंकुरित पौधा आ गया, और पौधे के बाद आ गया, पौधे के बाद आ गया पौधा, ये भी मैं मान नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका फल कहां से आया, प्रोसेस तो चल रही है ना कि आपका फल कहां से आया वहां तक की, तो फल आया बेटा आपका पहले, आप बीज ही तो बोओगे, पहले बीज बोओगे तभी तो करते हैं। फिर बात करता हूं मैं ए और बी की, पहले नंबर पे दिया इसने अंकुरित पौधा ए ऑप्शन में और बी में भी, मतलब फर्स्ट नंबर पे तो आएगा हमारा 4, मतलब सीडलिंग, अंकुरित पौधा दिया इसने, थोड़ा सा आपकी बार घुमा के दिया है, सीडलिंग के बाद इसने क्या किया सर, अंकुरित पौधे से क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होके, पहले तो छोटा था ये इतना सा, अब इसने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसके ये छोटे छोटे पत्ते आ गए, आगे बात समझ, पहले तो था ये सीडलिंग प्लांट, बिल्कुल अंकुरित पौधा, फिर थोड़ा सा बड़ा प्लांट बन गया, प्लांट के बाद बन गया उसपे फल, इस पे क्या जाएगा फ्रूट आ जाएगा अगर प्लांट ही बन गया तो, और फ्रूट के बाद क्या जाएगा, फ्रूट से बन जाएगा हमारे लिए सीड। ये बात मुझे कुछ समझ में आई कि सर पहले तो लिया मैंने अंकुरित पौधा, फिर ले लिया मैंने प्लांट, और प्लांट के लग गया फ्रूट, और फ्रूट से जो बचा फिर बनेगा सर सीड बन जाएगा, तो ऑप्शन आंसर क्या जाएगा सर, 4, 1, 3, 2, आंसर बेटा क्या जाएगा 4, 1, 3, 2। अब पहले वाले ऑप्शन को देखो, पहले तो इसने लिया सीडलिंग प्लांट, ठीक है, इसके बाद इसने लगा दिया सीड, बेटा अगर आपका प्लांट आएगा तो सीड की तो जरूरत ही क्या रहेगी थी, अगर प्लांट अंकुरित पौधा आपके पास था तो सीड की तो जरूरत ही खत्म हो गई थी, आगे बात समझ, अंकुरित पौधा आपके पास आ गया था तो फिर बीज बोने की क्या जरूरत रहेगी थी, तो बोया उससे बन गया प्लांट, प्लांट के लग गया फ्रूट, और फ्रूट से क्या बन जाएगा सीड बन जाएगा। दोबारा के लिए आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अब की बार आ रहे हैं, चल रहा है तो ये भी आपको याद होने चाहिए, तो आपकी जीएसई तो चल रही है पूरी, आपका जीके का सेक्शन ही तो चल रहा है ये, लेकिन इसने इसको रीजनिंग में पूछ लिया, इतना ही फर्क तो है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम नंबरिंग कर देनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर ग्रह की बात कर रहा है, पहली चीज तो देखेगा दूरी किसकी किससे है,
दूसरी देखेगा साइज पे बात करेगा, ये दो ही चीज तो पूछ सकता है आपकी आपके साथ। साइज की बात करेगा लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद फिर ब्रिगेडियर आएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद ब्रिगेडियर आएगा। अच्छा वही क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे भाई, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब को क्या करते हैं, सबसे बात करूं अगर मैं साइज की बात कर लेता हूं, शायद मुझे मिल जाएगा आंसर साइज से ही। अगर मैं साइज की बात कर लूं तो साइज से ही मुझे आंसर मिल जाएगा। में क्या है सबसे बड़ा, क्या है जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सर बृहस्पति ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सर मरकरी बुध ग्रह। इनमें तो मेरे को एक बात बताओ, पहला ऑप्शन दिया इसने पांच, तो मतलब ये बात कौन से कर रहा है सर, छोटे से बड़े की ओर की बात कर रहा है, छोटे से बड़ा की साइड जा रहा है, स्मॉल से लार्ज की साइड। तो अब देखो सबसे छोटा क्या आएगा, हम भी सबसे छोटा लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बेटा बुध लिख दिया, लिखेंगे बेटा बुध के बाद, और सबसे लास्ट में लिख दिया मैंने बृहस्पति। आपको ऑप्शन से कैसे उठाना है, अगर आपको बीच का ही नहीं पता तो ऑप्शन से कैसे उठाना है, पहले देखो कि सर पहले तो आ गया ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें सबसे आगे तो आ जाए पांच और सबसे लास्ट में आ जाए दो, सबसे आगे तो आ जाए पांच और सबसे लास्ट में आ जाए दो। तो मैंने पहला ऑप्शन देखा, मैंने पहला ऑप्शन देखा कि इसमें पहले तो पांच है लास्ट में चार है, तो ये क्या होगा सर कैंसिल होगा। दूसरा ऑप्शन देखा पहले पांच है दो है, तीसरा देखा पांच और दो है, चौथा ऑप्शन देखा पांच और एक है, मतलब ऐसे ऑप्शन को कैंसिल करते हुए चलेंगे, ऑप्शन को कैंसिल करते हुए चलेंगे। वो इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा सर बृहस्पति, सबसे छोटा बेटा बुध, बुध के बाद क्या आएगा बेटा, बुध के बाद आएगा आपका वीनस ग्रह। वीनस को हम बोलते हैं शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह बाद आएगा आपका मंगल ग्रह, पृथ्वी। शुक्र कितने पे है, शुक्र है सर तीन पे, कितने पे है सर चार पे, और पृथ्वी कितने पे बेटा एक पे। तो आंसर क्या जाएगा पांच तीन चार एक और दो, ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है पांच तीन चार एक और दो। किसकी बात कर रहा था बेटा, ये साइज की बात कर रहा था, ध्यान से देखना साइज की बात कर रहा था आगे वाले पे। अच्छा एक जीएस का क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया है, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, सबसे सुंदर ग्रह कौन सा होता है मुझे बताओ, सबसे सुंदर ग्रह। कर लेना आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा। कोड है SUBH10, SUBH10, जिससे आपको अप्लाई करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट के अलावा क्या मिलेगा बेटा, आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और दूसरी चीज मॉक के बाद आपको क्विज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल फिर इसी टाइम फिर से मुलाकात होती है आपकी इसी चैनल पर, चैनल का नाम है हेलो रीजनिंग, हेलो रीजनिंग। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस कोड को अगर कोई भी आपका दोस्त अगर एडमिशन लेता है अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेता है तो मेरा ये कोड मत भूलना SUBH10। हेलो रीजनिंग पर कल फिर मुलाकात होती है आपसे इसी टाइम 5:30 पे, और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और कल एक स्पेशल क्लास भी रहेगी, स्पेशल क्लास भी रहेगी, वो लगाएंगे हम 7 बजे।
से आठ रहेगी, टॉपिक रहेगा क्लॉक। केयर, गुड नाइट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।